सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। एक पाशा और सुल्तान मौसम के भाई होने की हैसियत से इस्माइल पाशा इस अजीम रियासत के सरबरा बनने के अहल होंगे। पाशा, क्या हुआ है आपको? मुझे चक्कर चक्कर आ रहे हैं सुल्तान मौसम। ठीक है, आप आराम कीजिए। अब्दुल हमीद जिस मस्जिद में जा रहा है वहाँ बारूद नस्ब है, वहाँ किसी पाशा का जनाजा है। अब्दुल हमीद ने नमाज़े जनाजा कब्रिस्तान में अदा करने का हुक्म दे दिया। हम आपको इस जंग की इजाजत दे रहे हैं, आप दुश्मन के अंदर होंगे। अहमद पाशा के साथ तबादला ख्याल कर लें। पता चला है उनके घर में एक जीसन नामी महाजर खातून रहती है। उनके घर का किराया बाजी के शौहर अली नूरुद्दीन साहब अदा करते हैं। तरबियत मुकम्मल होने के बाद ही वो ये जान पाएंगे कि अकाबाद जा रहे हैं। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। आप सिफारत खाने में रह सकते हैं, लेकिन ये एक जिंदान होगा। क्या इसके लिए रजामंद है आप? मुझे इससे कोई मसला नहीं। जानते हो, मैं अली नूरुद्दीन साहब की जोजा हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। हमारे माहिर जासूसों को इस्माइल पाशा का ताकुब करने के लिए कहिए, वो हमें इत्तला देंगे कि वो कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। जीसन का ताकुब करें आप, वो किससे मिलती हैं और क्या करती हैं, कौन आता है कौन जाता है, हम मालूम करना चाहते हैं सब कुछ। जो आपका हुक्म सुल्ताना। जकी सुल्तान का शौहर, लेकिन मालूम हुआ है कि यहाँ पाया तख्त में उनकी एक और सौजा भी है, उसका नाम जीसन है। क्या पिलाया है मुझे? जहर पिलाया है नामिक। अगर तुम हमें नहीं बताते कि बारूद कहाँ है तो 24 घंटे के अंदर तिरियाक हासिल किए बगैर मर जाओगे। निकल आया बाहर। अल्लाह गारत करे तुम लोगों को। भाई क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ, जहर दिया गया है मुझे। तबीब के पास ले चलू तुम्हें? जाओ यहाँ से। लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलें। आप लोग फौज के बेहतरीन सिपाही हैं। सुल्तान मौजम के हुक्म पर आप यहां जमा हैं। आपको गैर रस्मी जंग के बारे में बताऊंगा। पाशा, हमने यूनान में अस्करी तरबियत हासिल की, हमें वहां कुछ ऐसा नहीं सिखाया गया। गैर रस्मी जंग की तालीम कहीं नहीं दी जाती। गैर रस्मी जंग हमेशा महाज पर जाते हुए तरतीब दी जाती है। गैर रस्मी जंग से थोड़ी सी ताकत से बड़ी कामयाबी हासिल होती है, लेकिन जंग शुरू होने से पहले सबसे अहम चीज खुफिया मालूमात का होना है। हम ये तैयारी आखिर क्यों कर रहे हैं पाशा? आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। सुल्तान मौजम चाहते हैं कि आप सब तैयार रहें। खुफिया तरीन मालूमात मकामी इलाकों के मुखबिर, गांव में हमारे मुहाफिज और शहरी अफसरान, यानी इन तीन जराए से हासिल की जा सकती है, लेकिन सबसे अहम चीज मुखबिर का इंतखाब करना है। आप लोग बताइए,
मुखबिर का इंतखाब करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मैं ऐसे शख्स का इंतखाब करूंगा जो गायब होना जानता हो पाशा। एक मुखबिर को मालूमात देने के बाद गायब होना आना चाहिए। पहली गलती, अगर आप किसी गैर माकूल गायब होने वाले शख्स का इंतखाब कर लेते हैं तो किसी दिन वो दुश्मनों का मुखबिर बन जाएगा। इसके बरक्स हमारा मुखबिर बाकिरदार होना चाहिए। पाशा, हम ऐसा शख्स कहाँ तलाश करेंगे और ऐसा शख्स हमारे लिए मुखबिर क्यों बनेगा? सबसे पहले आपको उस शख्स को पूरी बात तफसील से समझानी होगी, फिर उससे दोस्ती का ताल्लुक बनाएंगे ताकि वो एतबार कर सके। मुखबिर के इंतखाब का बेहतरीन तरीका उसकी कमजोरी तलाश करना है। फर्ज करें आपको बल्गारिया के एक गाँव से मुखबिर हासिल करना है। पहले आप एक शख्स का इंतखाब करेंगे, उस शख्स को बल्गारिया के गाँव के खिलाफ करेंगे। आप उससे चंद खास मालूमात लेंगे और इस तरह वो अपने गांव से गद्दारी कर बैठेगा। अब वो आपके काबू में है और इस तरह वो शख्स आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करता रहेगा। आप लोग बताइए कि गांव पर हमला करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? सुबह शादी का वक्त। दूसरी गलती, सुबह जल्दी उठने वाले लोग हमेशा भूख से बेदार होते हैं। बेहतरीन वक्त आधी रात का वक्त है, सब गहरी नींद सो रहे होते हैं। जंगी हिकमत अमली हमेशा वही इस्तेमाल की जाए जो उस्मानी अफसरान डाकुओं पर हमला करते वक्त जंगों के दौरान इस्तेमाल किया करते थे। यानी पहले इलाके का जायजा लिया जाए, गुरोह के गिर्द मजबूत हलका बना लिया जाए और पहले ही फरार होने के तमाम तर रास्तों को बंद कर दिया जाए। यही आसान रास्ता है। तकसीम कर दीजिए। आपके पास मौजूद किताबचे में गैर रस्मी जंग की तमाम तर मालूमात मौजूद है। इन्हें अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, उसके बाद हम तबादला ख्याल करेंगे। महमूद पाशा, आप ठीक नहीं लग रहे। हाँ, नहीं लग रहा फियदा। इंसान कब तक फारिग बैठ सकता है? ये फरागत का एहसास बहुत बुरा होता है। सबाहतीन को खबर भेज दी आपने? खबर भेज दी है, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपके लिए आया है। लाओ बेटा। ये क्या है? यही वो वाहिद चीज है जो मेरे मिजाज को बेहतर कर सकती है। अच्छा खाना। अल्लाह, बाहर से खाना मंगवाया है? हाँ, बाहर से मंगवाया है तो क्या हुआ? और है क्या ये? हंस का गोश्त। क्या कहा आपने? हंस का गोश्त। आप ये नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता बेटा? बहुत शौक से खा सकता हूँ। नहीं खा सकते आप ये। क्यों नहीं खा सकता मैं? इसमें क्या है? बस एक परिंदा ही तो है। अपनी चोंच से शिकार नहीं करता। ऐसे मुर्दार भी नहीं खाता। इस्लामी शरई कवानीन के तहत हलाल परिंदा है ये। माना कि इसे खाना मुबाह नहीं, मगर हराम भी नहीं है। हरगिज नहीं, आप नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता? खा रहा हूँ, ये देखो। खा रहा हूँ, मैंने खा लिया इसे। ओह, आइए, खुशामदीद। शुक्रिया जनाब हेकलर। खुशामदीद, बैठिए। क्या बना, मुलाकात हो गई? हमें अपनी हुकूमत और ऑस्ट्रिया की हुकूमत की तरफ से अहकामात मौसूल हुए हैं। मुलाकात हो चुकी है, हम यहाँ मालूमात फराहम करने आए हैं। खूब, फैसला हो गया फिर? जी हो गया, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, जबरदस्त। फिर हम सब मिलकर अब्दुल हमीद के पास जाएंगे। वो जान जाएगा कि कोई जायपना नहीं। आ जाए। जनाब महमूद पाशा। क्या हुआ महमूद पाशा को? वो हंस का गोश्त खा रहे हैं, मैं नहीं रोक सका। मेहरबानी करके उन्हें रोक लें। महमूद पाशा जी, आपने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया आपने? अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्या कर दिया? ऐसा भी क्या हो गया? आप लोगों के बावर्ची खाने में कुछ अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाँ, समझ नहीं आ रहा तुम्हारा मसला क्या है। अपने पैसों से मंगवाया है। जनाब, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या मतलब? कैसी सजा? आप लोग ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? जैसे रमजान का महीना हो, सब रोजेदार हो और मैं खा रहा हूँ, किस बात की सजा? पाशा,
फरमाइए। सुने, हंस बादशाह की अलामत होता है और बरतानवी सरजमीन पर बादशाह और मलिका ही हंस का गोश्त खा सकते हैं। बस जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी बरतानवी जगह है, इसलिए इन्हें सजा मिलनी चाहिए, वरना हमें लंदन इत्तला भिजवानी पड़ेगी। ये शख्स अभी तक सजा की बात कर रहा है। किस बात की सजा? हाँ, क्या मलिका से छीन कर खा लिया? कैसी सजा? फैदा साहिबा, आप कुछ बोले ना। खामोश ही ठीक हूँ मैं। पाशा, ये कानून मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन क्या कर सकते हैं, कानून है तो है, इसलिए आपको एक हफ्ता कैद में गुजारना है। क्या पागलपन है। आइए। छोड़ो मुझे, ये कैसे पकड़ रहे हो जैसे देहाती मुजरिम हूं। मैं खुद भी चलकर जा सकता हूं। ये यहां क्या करने आया है? देखते हैं ये किसके साथ काम कर रहा है, अभी समझ आ जाएगा। जनाब, मैंने कुछ सुना है। क्या सुना है? बारूद इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सच है, बस कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन अब वो बारूद जरूर इस्तेमाल होगा और पाए तख्त में कयामत बर्पा होगी। अब अपने आदमियों को जमा कर लो, हमें 3 अलग अलग मुकामात पर धमाके करने हैं। ठीक है जनाब। खड़े क्यों, जाओ। चले नादिर साहब। कहाँ चला गया ये? चलो, तुम्हारा मंसूबा कामयाब नहीं रहा उस्मान। नामिक ने तो हमें कुछ नहीं बताया, तो अब वो मरेगा, यही अंजाम है उसका आसिफ। कहाँ गया वो? क्या करेंगे जनाब? उस्मान, तुम पिछली तरफ जाओ। आसिफ, याद रखना, बारूद की जगह बताए बगैर तुम्हें मौत नहीं आएगी। छोड़ो इसे, पीछे रहना। छोड़ दो आसिफ को। नहीं, नहीं छोड़ूंगा इसे। तुम मरोगे नामिक, छोड़ दो इसे, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। दरियाग दे दो मुझे, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा, हम दोनों मर जाएंगे। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, झूठ बोला था तुमसे। खामोश रहो और मुझे दरियाग दे दो, वरना इसे गोली मार दूंगा। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, देता हूं। उस्मान, गोली मार दो इसे। देता हूं। छोड़ दो आसिफ को। छोड़ दूंगा, तुमने मेरी जिंदगी बख्श दी है ना।
अब मैं आसिफ के साथ ही यहाँ से जाऊंगा। उस्मान, इसे क्या हुआ है? अब इसने वाकई जहर पी लिया है आसिफ। क्या तुमने मार दिया इसे? मैं क्या करता जनाब, ये आसिफ को ले जा रहा था। बहुत बुरा हुआ, अब बारूद का मुकाम कैसे मालूम होगा? आसिफ, इससे जो हासिल करना था वो कर लिया। हमें तस्वीर खींचने वाला शख्स मतलूब है। बारूद के बारे में जो मालूम चाहिए वो हमें उसी से मिलेंगी। चाचा को खबर करो, हम अक्काश की तरफ जा रहे हैं। अली नूरुद्दीन, हम इस नागवार सूरत हाल के मजीद मुतहमल नहीं हो सकते। हमने खुद जाकर उस खातून को देखा है। जानते थे शामदीद। शुक्रिया, अल्लाह कबूल फरमाए। आपका भी शुक्रिया। ज़किय सुल्तान, हम आपका इस्तकबाल नहीं कर सके। कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शोहर और बेटी कैसी है? सुना है वो पेरिस में होते हैं। वो दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। औलाद से दूर रहना भी मुश्किल है, अल्लाह आपको उनसे जल्द मिलवाए। आमीन। सुल्ताना, ये आपके शोहर ने पेरिस से भेजा है। हमारे कमरे में रख दीजिए। जो आपका हुक्म। माशाल्लाह, वो खुद नहीं आए मगर आपकी खुशी के लिए तहाइफ भेज दिए। अल्लाह सबको ऐसा प्यार करने वाला शोहर अता करे। अल्लाह आपकी मोहब्बत कायम रखे सुल्ताना। तहाइफ हमेशा सिर्फ मोहब्बत की अलामत नहीं होते, बाज़ औक़ात माज़रत के लिए भी तहाइफ भेजे जाते हैं। नाइमे बेटी, अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके तो अपनी जौजा के लिए तोहफा भेजा है। ऐसा ही होगा, आपके दामाद बहुत ख्याल रखने वाले हैं। बहुत जल्द वो खुद भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसका जिगर कमजोर है, बहुत जल्द जेरे असर आ जाएगी और आज या कल मर जाएगी। मर गया, ये भी मर गया। मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चों में वबा बहुत आहिस्तगी से असर अंदाज होती है मगर इसके नताइज यकीनी होते हैं। इस बीमारी से कोई भी बच नहीं सकता मादाम। जल्द अज जल्द इस वबा का इलाज तलाश करें आंद्रे। कोई यकीन नहीं करेगा कि हमने उस्मानियों और खूनी सुल्तान को एक छोटे से हथियार से जो किसी को नजर भी नहीं आएगा तबाहु बर्बाद करके रख दिया। महल के मुहाफिज बच्चे को हर जगह तलाश कर रहे हैं, ये बेदार सुल्तान की सरपरस्ती में था। शाबाश मार्को, शाबाश। क्या ये औरत काफी नहीं थी कि अब ये बच्चा भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। किसी और चीज की जरूरत है सुल्ताना? नहीं बेटी, आप जा सकती हैं। शुक्रिया। फातिमा खातून ने कितनी खूबसूरत तिलावत की है ना। जब आपके बच्चे की विलादत होगी तो हम इंशाल्लाह उन्हें दोबारा बुलवाएंगे। इंशाल्लाह सुल्ताना। आपने उनके सामने ऐसी बात क्यों की नाइमे?
आप बताएं, हमारे शौहर हमें माजरत के गर्ज से तोहफा क्यों भेजेंगे? क्या आपको लगता है हमारे शौहर ने कुछ गलत किया है? ज़किया सुल्तान, हमने मेहमानों को बता दिया था इस बारे में कि वो बहुत अरसे से आपसे नहीं मिले, इसलिए उन्होंने माजरत का तोहफा भेजा है। नाइमे ने भी यही कहा है। हमने आपसे नहीं पूछा, तो बताइए नाइमे, जवाब दीजिए, क्या मतलब था आपका? सुल्ताना, आप मुझे इजाजत दीजिए। रुक जाइए गुलजमाल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्यारी बहन आप सबके सामने इस बात की वजाहत करें। बताइए, हम सुन रहे हैं। मतलब आप अच्छी तरह जानती हैं बाजी, आप इसी वजह से उस घर में गई थी। इसकी बजाय कि आप अली नूरुद्दीन साहब पर इल्जाम आयद करें, जीसन पे इल्जाम लगा दिया है आपने और उसे डराने का फैसला कर लिया। बस बहुत हुआ नाइमे, बस करें। अपनी बड़ी बहन के साथ इस तरह गुफ्तगु नहीं कर सकती हैं आप। और वो हमसे जैसे चाहें बात कर सकती हैं, है ना? हमारी अलैदगी के दौरान याद है आपका सलूक, लेकिन हमने आपकी तरह दिखावा करने के बजाय अलैदगी हासिल करना बेहतर समझा, क्योंकि हमें उस वक्त यही ठीक लगा। ये बहुत ही शर्म की बात है नाइमे, जो कुछ आपने किया आपको जेब नहीं देता। वो ज़किया से मुआफी मांगे बगैर सामने मत आइएगा हमारे। इजाजत चाहती हूं। कोई सुराग मिला उस्मान? जी चाचा। उम्दा, नामिक का ताकुब जारी रखो। नामिक मर चुका है, उसने आसिफ को यरगमाल बना लिया था, फिर उसने मुझसे तरियाक मांगा और जहर पी के मर गया। अब क्या करेंगे उस्मान, बारूद तक पहुंचने का वाहिद रास्ता था वो। हमने उसका ताकुब किया था, वो एक फोटोग्राफर के पास गया था। मैं आपको आगाह करने आया हूँ, हम छापा मारने जा रहे हैं। एहतियाती तदाबीर करो, मैं बजाते खुद जाऊंगा। ठीक है चाचा। क्या आप ठीक हैं इस्माइल पाशा? ठीक हूँ सुल्ताने मौसम, शायद मैंने कुछ मुजरे सेहत खा लिया था। आपको परहेज करना चाहिए, इस उम्र में खाने पीने में एहतियात जरूरी है। आइए इस्माइल हक्की साहब। सुल्ताने मौसम, आइए बैठिए। ये लीजिए। शुक्रिया। ये क्या है सुल्तान मौसम? ये शाही खानदान की तस्वीर है ज़ुल्फ़ुल पाशा। मुराद खुदावंदगार। ये हजरत मौलाना रूमी से बहुत अकीदत रखते थे सुल्तान मौसम। आप जानते हैं कि हजरत मौलाना ने ही उन्हें खुदावंदगार के लकब से नवाजा था, इसीलिए शहीद बादशाह का यही लकब उर्फ आम हो गया। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए, आमीन। उन्होंने कोसोवो को इस सरजमीन का हिस्सा बनाया। मुस्तफा खान सोम, इन्होंने रियासत को इल्मी मैदान में आगे बढ़ाया। सुल्तान मौजम, क्या आपको मालूम है कि मुस्तफा खान के जमाने में सल्तनत उस्मानिया में बहुत सी मस्जिद तामीर की गई, लेकिन सुल्तान ने अपने जाती खजाने से 3 मस्जिद तामीर करवाई और उनके नाम भी काफी माने खेज हैं। पहली मस्जिद वालिदा सुल्तान के नाम से है, दूसरी मस्जिद अजदाद के नाम से, और तीसरी मस्जिद अब्दाल के नाम से है।
उन्होंने ऐसा क्यों किया? सुल्ताने मौजम, उन्होंने पहले उसको दार में मस्जिद अयास तामीर करवाई और उसका नाम वालिदा के नाम पर रखा। उसके बाद फातेह मस्जिद तामीर करवाई और उसका नाम अजदाद रखा। और फिर आखिर में उन्होंने एक और मस्जिद तामीर करवाने का फैसला किया और उसका नाम लालेली मस्जिद रखा। इस्माइल हकी साहब, ये नाम कहां से लिया गया? ये नाम उन्होंने लालेली बाबा से लिया था। सुल्तान ने इन तीनों मस्जिद को तामीर करवाया मगर उन्हें अपना नाम नहीं दिया सुल्ताने मौसम। लेकिन वो हमेशा अपने फलाही कामों की वजह से मशहूर रहेंगे। एक नज्म है जो उन्होंने अपने वक्त में लिखी थी, ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने इसे उन दिनों के लिए याद के लिए लिखा था। ये मत समझो कि ये दुनिया मिट जाएगी और इससे हम में बेहतरी आएगी। और याद रखो, रियासत को रियासत अवाम नहीं बनाया। अब जबकि बुलबुल हमेशा खुशी में ही भटकती रहती है, हमारा काम हमेशा रहम करना है जो कभी खत्म ना हो। यानी मुस्तफा खान कहते हैं, दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है और ये मत सोचें कि आपके सुल्तान होने की वजह से सब ठीक हो जाएगा। किस्मत ने रियासत के तमाम उमूर मुस्तहिक लोगों के सुपुर्द किए। अब जो भी आपके दरवाजे पर इस हवाले से दस्तक देता है तो वो सरहन गलती पर है। यानी हमारा काम अल्लाह के इंसाफ और रहम पर यकीन रखना है। उस जमाने में भी और इस जमाने में भी रियासत में ऐसे ओहदेदार थे और इस जमाने में भी मौजूद हैं जो अपने मफाद के बारे में सोचते हैं। हम आपको ये तोहफे के तौर पर देना चाहते हैं पाशा। ये खुसूसी तोहफा है और ये सिर्फ खानदान के लोगों को ही दिया जाता है और सभी जानते हैं कि आप खानदान का हिस्सा हैं। इसमें हमारे दादा जान की तस्वीर है, इसकी एक नकल हमारे पास भी है। वक्तन फवक्तन हम इसे खोल कर देखते हैं। क्यों सुल्तान मौजम? हम उन्हें देखने के काबिल हैं या नहीं पाशा? क्या हम उनसे आंखें मिला सकते हैं या नहीं? हाँ तो देखते हैं अहमद पाशा ने जिसके बारे में बताया था वो सुराख कहाँ है। चलो यहां से शुरू करते हैं। ठीक कह रहे थे। अल्लाह। तो ये है वो सुराख। अहमद पाशा ने सही कहा था। हम रियासत की खिदमत जिंदान में भी कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। चलो इसे बंद कर देते हैं।
जनाब हैकलर, देख लेना बहुत जल्द तुम आकर मुझे सब कुछ बता दोगे। हुकुम कीजिए शहजादे। हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं मैजियत। आपने इतनी जहमत क्यों की शहजादे? बहुत खूबसूरत है। लिखते हुए हमें याद रखिएगा। आपको भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है अब। बहुत शुक्रिया आपका। आप कब जा रही हैं? आज रात रवाना होंगी। अल्लाह आपका रास्ता आसान फरमाए। आमीन। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। मुझे इजाजत दीजिए। मैजियत, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जिसे आप जानती नहीं उससे शादी क्यों करना चाहती हैं? सुल्ताना ने इसे मेरे लिए मुनासिब समझा तो मैंने बखुशी कबूल कर लिया। लेकिन आप, क्या आपके कोई ख्वाब नहीं है? बताइए। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैंने ख्वाब देखा था कि एक सफेद घोड़े पर शहजादा आकर मुझे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन अब मैं ये समझ चुकी हूं कि ख्वाब कभी हकीकत नहीं हुआ करते। मुझे इजाजत दीजिए। बेटी, क्या ज़किया सुल्तान अंदर है? जी सुल्ताना, वो तन्हा रहना चाहती हैं। ज़किया सुल्तान, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम इस वक्त बात नहीं करना चाहते बिदार सुल्तान। बराहे करम हमारी बात सुन लीजिए। आपको ये लाजमी बताना होगा, हमें दरख्वास्त है। आ जाएं, हम सुन रहे हैं। ज़किया सुल्तान, नायमी की तरफ से हम आपसे मुआफी मांगते हैं। नायमी को किसी बच्चे की तरह अपने पीछे छुपाना बंद करें बिदार सुल्तान। उससे इतना कहें कि उसने जो कुछ भी कहा है उसके लिए माफी मांगने आए वो। सही कह रही हैं, वो जरूर आएंगी और आपसे मुआफी मांगेंगी। उन्होंने जो कुछ कहा वो उस पर बहुत अफसरदा है। हम तो सिर्फ, आप हमेशा की तरह उनका तहफ्फुज करने की कोशिश कर रही हैं। हमें नहीं लगता कि नायमी को इस पर अफसोस होगा, बल्कि वो तो बहुत खुश हो रही हैं कि हम अफसरदा हैं और हमें धोखा दिया गया है। माजी में भी ऐसा ही था। वो यही चाहती हैं कि हम अली नूरुद्दीन से तलाक ले लें, क्योंकि वो खुद तलाक याफ्ता हैं। देखिए, हम जानते हैं कि माजी में कुछ तलखियां हुई हैं, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। बिल्कुल, ये मामला अली नूरुद्दीन और हमारे दरमियान है। आप या नाइमे बीच में मुदाखलत मत करें। अब आप यहाँ से जा सकती हैं, बराए करम। Thank you.
आइए हजरत, आ जाइए। आइए। सुल्तान मौसम, लगता है इतनी तेज हवा चली है कि आप तीनों एक साथ ही यहां हमसे मिलने चले आए। यहां पे मुनसिर है कि इसे हवा समझना है या फिर तूफान। बेफिक्र रहिए, उस्मानियों के पास ऐसे जहाज हैं जो तेज से तेज तूफान में भी कामयाबी से मंजिल पर पहुंच जाते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? इसकी वजाहत रूसी सफीर करेंगे। सुल्तान मोजम, रुमेलिया में होने वाले फसादात और उस्मानी गिरोह के हमले से मारे जाने वाले ईसाई। कौन से गिरोह? हमारी इत्तलात के मुताबिक रोमेलिया में सिर्फ एक उस्मानी फौजी दस्ता है और उनके मुताबिक बागी ईसाइयों का गिरोह है। रियासत ने अपना हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए उनकी बगावत को रोका। दहशतगर्दी की इजाजत किसी को नहीं। इसके नतीजे में रोमेलिया का नज़्म ज़ब्त खराब हुआ है और ऑस्ट्रिया और रूसी रियासतों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी वजह से दोनों रियासतों के शहंशाहों ने इकट्ठे होकर इस पर तबादला ख्याल किया है। क्या हमसे दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि दो हरीफ शहंशाह उस्मानियों के खिलाफ फतह हासिल करने के लिए इकट्ठे हो गए? सुल्ताने मौसम, इन दोनों का मसला तो हम समझ चुके हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारे इत्तेहादी इजलास में किए गए कुछ फैसलों पर बरतानवी हमारी हिमायत करेंगे। कैसे फैसले? इजाजत हो तो मैं वजाहत कर दूं। उस्मानियों और रोमेलिया के दरमियान किए गए वियाना मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है। देखा गया है कि रोमेलिया में रहने वाले ईसाइयों के हुकूक उस्मानियों ने तस्लीम नहीं किए, ना ही उन्हें सियासी और माशी आजादी हासिल हुई। इसी वजह से रोमेलिया में कुछ वाकयात सामने आए और जो इस्लाहात नाफिज करने की जरूरत थी उन्हें मुलतवी कर दिया गया है सुल्तान मौसम। इसलिए हम तीनों एक साथ मिलकर आपसे बात करने आए हैं। आप चाहते क्या हैं, साफ साफ बताएं। कानून असासी को नाफिज करना चाहते हैं हम लोग। अगर कानून असासी का मुकम्मल तौर पर इतलाक हो जाए तो रोमेलिया में नई इस्लाहात की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जब कानून असासी की इस्लाहात नाफिज हो जाएंगी तो कानून साज रियासत की तरफ से की गई इस्लाहात पर अमल करेंगे। सुल्तान मौसम, ऑस्ट्रिया, रूस और बर्तानिया की हुकूमत की तरफ से आपको तंबीह की जाती है कानून असासी को एक बार दोबारा नाफिज किया जाए। सुल्तान मौसम, मजलिस कानून साज में कब इस्तलाहत करनी है ये रियासत की अपनी मर्जी पर होता है, और क्या चीज जरूरी है और क्या नहीं ये भी रियासत तय करती है। मजलिस कानून साज में तब्दीली का फैसला भी रियासत करेगी। हम किसी भी बात पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है जनाब हेकलर। हम यकीनन कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, जैसा कि हमने अकाबा के मामले में किया। अकाबा के किले में हमारे सिपाही अब भी मौजूद हैं। आपके लिए खबर यह है कि हम वहां नया फौजी दस्ता भेज रहे हैं। पकड़े जाना मारे जाने से ज्यादा बदतर है। जब आपको किसी जगह की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो जागना आप पर फर्ज है। अगर आप मर जाएंगे तो कोई भी आपसे सवाल नहीं पूछ सकेगा, लेकिन अगर आप कैदी बन गए तो आपसे सख्त अंदाज में सवाल पूछे जाएंगे, और असल मसला वहीं से शुरू होता है। वो लोग आपको रियासत से गद्दारी करने का कहेंगे। आखिर सबको अपनी जान प्यारी होती है। आप लोग इस रियासत के खास सिपाही हैं, इसीलिए ये रियासत आपको खास जिम्मेदारी सौंपेगी। जो आपको मालूम है वो बहुत अहम है, इसलिए अगर आप पकड़े गए तो रियासत के लिए खतरे की बात है। अपनी जान दे देना, लेकिन कभी भी कैदी बनना कबूल मत करना। मैडम, मदाम अच्छी खबर है, डॉक्टर आंद्रे ने उस वबा का तोड़ भी बना लिया है।
ये तो बहुत अच्छी खबर है अन्ना। उस दवा से दो बीमारों को सेहतियाब कर लिया गया है और अब वो ठीक है। बस तो फिर बीमारी को फैलाने का वक्त आ गया है। अच्छा वो सेहतियाब होने वाले लोगों में से जीसन और वो बच्चा सिनान भी शामिल है? नहीं मादाम, दवा से सेहतियाब होने वाले मरीज ये दोनों नहीं है। अगर उस दवा को उन दोनों मरीजों पर भी इस्तेमाल किया जाए तो शायद वो भी ठीक हो जाए। ये मुमकिन है, लेकिन अगर वो दोनों सेहतियाब हो गए तो बोल पड़ेंगे। हमें उन दोनों से जान छुड़वानी होगी, मगर ये काम ऐसे करना होगा कि इसका कोई सुराग ना बचे। मदाम। आओ दिलरुबा, क्या हुआ? यिल्दिज महल में तूफान आ गया है मदाम। वो अली नूरुद्दीन साहब और उनकी खुफिया शादी के हवाले से वो उस औरत के बारे में तहकीकात करना चाहते हैं। मतलब कि महल में तूफान आ चुका है। ये तूफान मेरे भेजे गए समंदरी तूफान के आगे कुछ नहीं है। क्या आपके जहन में कोई मंसूबा है मादाम? एक ऐसा मंसूबा है जिससे पहले अब्दुल हमीद और उसके अहले खाना का एतबार और साख खराब हो जाएगी और फिर वो सब के सब कब्र तक पहुंच जाएंगे और हमारे मेहमान जीसन और सिनान भी हमारी मदद करेंगे। इंतखाब काबीना की राय से होता है, लेकिन जिनका इंतखाब करवाना होता है बस उन्हीं को सामने लाया जाता है। हम आपको महल ले जाने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जिंदगी गुजारें और फिर उसे अकाबा के बजाय सैलानिक की तरफ भेजा जाएगा। वहां पर एक बरतानवी बैंक पर उनके जरिए छापा मारा जाएगा और इस तरह बरतानवी मुदाखलत का रास्ता साफ हो जाएगा। क्या मेरे भेजे गए सिपाही जहाज पर सवार हो गए? मैंने उन्हें सैलानिक के जहाज पर सवार होते देखा है पाशा, और जहाज रवाना हो गया।